एवरीबॉडी। आज वर्कशॉप का दूसरा दिन है और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग हैं तो मुझे काफी अरसे से जानते हो, मेरे बारे में सुन रहे हैं, मगर आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरी आज पहली मुलाकात है। तो मेरे लिए ये आज बहुत बड़ा अवसर है कि मैं आज खुद को आपसे इंट्रोड्यूस कर पाऊं। मेरा नाम शुभदीप है और मैं अर्पणा मैम और देव सर का बेटा हूं। मैं लगभग 10 साल से विदेश में पढ़ रहा था और आज मुझे गर्व है कि आज मैंने अपनी पीएचडी खत्म कर ली है और यूरोप की एक यूनिवर्सिटी में मैं इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर बनकर अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा हूं। और दोस्तों, आज जब मैं आप सबको यहाँ एक वर्कशॉप अटेंड करते हुए देख रहा हूं तो मेरी बचपन की बहुत सारी यादें वापस आ रही हैं, वो ताजा हो रही हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 5 साल का था जब अर्पणा मैम और देव सर ने डायरेक्ट मार्केटिंग में अपना पहला कदम रखा था। और मुझे आज भी याद है कि उस समय डायरेक्ट सेलिंग के आने से पहले हमारी जिंदगी बहुत ही साधारण सी हुआ करती थी। तो पहला सवाल तो यह आता है कि डायरेक्ट सेलिंग जब हमारे परिवार में आया तो सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज क्या बदली हमारी परिवार में? हाँ, ये सच है कि अच्छी इनकम आई जो स्टेबल थी। अगर आप सबको पता है, इनकम और स्टेबिलिटी, बढ़ती इनकम इस समय लगता है, वो धीरे धीरे आती है, मगर सबसे पहली चीज जो हमारे परिवार में बदला डायरेक्ट सेलिंग के आने से, वो था हमारे परिवार का सोच। हमें जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया मिला। तो दोस्तों, जिस तरह आज आप एक वर्कशॉप में एजुकेशन ले रहे हो, उसी तरह जब मैं 5 साल का था, जब मैं 10 साल का था, और जब मैं 15 साल का था, उसी तरह अर्पणा मैम और देव सर ने वो हर ट्रेनिंग अटेंड करी, वो हर वर्कशॉप अटेंड करी जिससे उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो। यस, उन्होंने वो हर ट्रेनिंग, हर वर्कशॉप अटेंड करी जिससे वो मार्केटिंग प्लान समझे, जिसे वो प्रोडक्ट की बारीकियों को समझे और सीखे कि बिजनेस करना कैसे है। तो दोस्तों, बचपन से ही हमें ये पता था कि मेहनत, डिसिप्लिन और अच्छी आदतों का महत्व क्या है। मगर अब दूसरा सवाल तो ये है, मेहनत करें तो किस दिशा में करें? सपने भी तो होने चाहिए। तो मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि बेटा, मेहनत वो आदमी करता है जिसके सपने बड़े हों। बेटा, मेहनत वो आदमी निरंतर करता है जिसका कारण बड़ा हो। तो दोस्तों, मेरा कारण मेरे माता पिता थे, मेरा कारण उनके सपने थे कि उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर नाम कमाएं और समाज को कुछ दे पाए। मुझे आज भी याद है, मैं शायद 15 या 16 साल का था, तो एक शाम मैं अर्पणा मैम के साथ बैठा हुआ था। जैसे मदर अपने सन से बात करती है तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, इतना ज्ञान प्राप्त करें कि उनका नाम हो और वो कुछ कर पाए। दोस्तों, वो 18 साल पुरानी वो शाम थी और आज की ये सुबह है। मैंने निरंतर काम किया ताकि मैं अपने और अपने मां बाप के सपने पूरे करूं। तो दोस्तों, मेहनत करना पहली चीज पता है, दूसरी चीज अब तो सपने भी बड़े थे, मगर उस सपनों की चिड़िया को जो उड़ान लेकर मंजिल तक पहुंचना था, उस चिड़िया को पंख चाहिए थे। उस सपनों की चिड़िया को पंख दिया अर्पणा मैम और देव सर के डिसीजन ने कि वो वेस्टीज ज्वाइन करे। उस सपनों की चिड़िया को पंख दिया गौतम बाली सर ने, जिन्होंने 20 साल पहले वो बीज बोए
जिसका फल हम सब आज उठा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत गर्व होता है कि सिर्फ वेस्टीज की बदौलत मैं भारत से पढ़ाई करके लंदन जाता हूं। वहां की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से आती है, और वहां बहुत जाने माने लोग पढ़े हैं। और आपको ये गर्व होगा कि ये साधारण लड़का उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जहां से महात्मा गांधी पढ़े थे। ये साधारण लड़का उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने पढ़ाई करी थी। तो दोस्तों, ये वेस्टीज की ताकत है जो एक साधारण से लड़के को ये मौका देती है। मगर दोस्तों, सपने बहुत बड़े थे, इसे पढ़ाई अभी छोड़ी थी, जाना बहुत आगे था। तो इसके बाद मैं गया यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क, जहां एक यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो भी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से, और वहां से कौन पढ़ेंगे, वो वही यूनिवर्सिटी है जहां से यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा पढ़े। और आपको ये गर्व होगा कि ये साधारण लड़का वहीं से पढ़ के आ रहा है जहां से एक जमाने में बी आर अम्बेडकर जी ने पढ़ाई कर भारत का संविधान। तो दोस्तों, ये आज हमारी पहली बात, और अगर एक बात मैं अपने दिल से आप तक पहुंचाना चाहता हूं तो बस ये है कि आज वेस्टीज आपको एक ऐसा अवसर दे रहा है कि आप अपने परिवार, चाहे वो आपके माता पिता, भाई बहन या बच्चे हो, वेस्टीज आपको एक ऐसा अवसर दे रहा है कि आप अपने परिवार की सिर्फ जरूरतें ही नहीं, आप उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब वेस्टीज में सक्सेस पाकर आप इस मंच पे आओगे तो आप इस समाज में ये उम्मीद जगा पाओगे कि इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा है। इस इंसान की सफलता सिर्फ उसके हाथ में है, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो एक मेहनती इंसान को कामयाबी से बना सके। तो दोस्तों, आज पहला दिन था जो मैं आपके सामने आया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी ऐसे ही आता रहूं। आप सबसे मैं सीखूं, और हम सब साथ में एक दिन ऐसा देखें कि हम कह पाए कि हम सब ने साथ में मिलकर एक दूसरों के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की सहायता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।